ऐसे लोगों के जमाने सब तोड़ दिए हैं,
मेरा लेना तुम्हारे साथ खड़ा है, वो जेल भुगत रहा है, हम भी बाराजिया नहीं मारेंगे, हम भी हमारे दम का इस मुल्क के लिए रहेंगे, तुम्हारे खून का आखिरी कतरा भी इस मुल्क का मकूद है, हम उसके कर्जदार है इस मुल्क के, ये हमारी शान है, हमारी शिनाख्त है, हम इसके ऊपर करप्ट होना नहीं आने देंगे, ये करप्शन से भरा हुआ निजाम चेंज होगा, यही नारा है मेरे लीडर का, मैं उसके नजरिए के साथ खड़ा हूँ, उसका नजरिया है दो नहीं एक पाकिस्तान, उसका नजरिया है रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती कैसे होगी, कानून की बालादस्ती 1400 साल पहले नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के उन्होंने कहा किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई भोगे हासिल नहीं, किसी अजनबी को किसी अजनबी पर, किसी अजनबी को किसी अजनबी पर कोई भोगे हासिल नहीं, रब के नजदीक कोई बेहतर जो मुत्तकी और परहेज़गार है, आज हमें फर्ज है कि हम बैसे इंसान अल्लाह के नायब है और हमने नायब होते हुए अपने ऊपर मुराद मुकरर करना है, तब तक जब भी आप रख के बुलाओ अपने बच्चों की नजर ला के बुलाओ, उस रब को शायद बना के बुलाओ कि क्या कोई शख्स नाम नाम से लेकर आए पाकिस्तान के अंदर जो मुल्क बचा सके तो आपको जवाब आएगा नहीं, एक ही शख्स है जो बहुत जो आज जेल में है, क्या कभी किसी ने सोचा है हमारी माए बहने बेटियां बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, अपने आप से सवाल तो पूछो, अपने आप से सवाल तो पूछो कि क्यों जेल में है वो, तो आपको जवाब मिलेगा, जो बादमीर लोग हैं उनका जवाब उनको मिलेगा, जो बादौलत शरीफ के शरीफ रखते हैं उनका जवाब मिलेगा कि वो जेल में इसलिए है कि उसने लंगर खाने बनवाए, वो जेल में इसलिए है कि उसने बनाम खा बनाई, वो जेल में इसलिए है कि उसने समाजी कुवतों को साम्राज्य कुवतों और मलयाली कुवतों को कहा जरूर नहीं नॉट नहीं दूंगा इन्हें, वो इसलिए जेल में है कि उसने कहा 3.5-4 सालों में मैं जाऊंगा ना अपने मुल्क में नहीं होने दूंगा, वो इसलिए जेल में है कि उसने 7 कार्ड दिए, वो इसलिए जेब में है कि उसने हेल्थ कार्ड दिए 10-10 लाख रुपए में लोग आजाद हुए थे, वो इसलिए जेब में है कि उसने यूनाइटेड नेशन के फ्लोर में खड़े होकर कहा अल्लाह ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही हमारी बुनियाद है, इसी बुनियाद पे, इसी स्लोगन पे, इसी नारे पे पाकिस्तान में 47 पे कायदे और मुहम्मद ने जला देना है, उस नजरिए के साथ हम खड़े हैं, उससे हम खड़े हैं, ये जो डो डर और खौफ के बादल मंडा रहे थे चट गए थे, लोग बाहर आ रहे अपने हाथ के लिए, हम कानूनी लोग हैं, हम पाकिस्तान के कानून को फॉलो करते हैं, हम दस्तूर पाकिस्तान के महाफिल भी हैं और फॉलो करने वाले भी हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है ईसीबी ने, हम दारा इख्तलाफ बनाया लेकिन हम फिर भी उसको मानते थे, हमें अपने पोस्टर बैनर्स पे तस्वीर लगाने की इजाजत नहीं, हमें दो मिनट अपने झंडे के ऊपर अपने पार्टी के बोनस बैनर्स पोस्टर के ऊपर इजाजत नहीं, लेकिन हमने अपने लीडर की, हमने इमरान खान के हुक्म की तामील की, हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा, बहुत से लोगों ने कहा नहीं भाई बॉट करेंगे ऐसे मामले में कैसे लेते होगा, तो आप खान समझे नहीं, मैदान छोड़ते हैं बुलबुल, मैदान छोड़ते हैं हारे हुए, ना हम हारे हैं ना हम बुलबुल हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे और ऐसे लड़ेंगे जैसे लड़ने का हक हाँ है, और हम लड़ रहे हैं, हमने 2 साल से मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, 2-2 साल से हमारे लोगों पर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है आसन पे, हमारे लीडर टीम का हिस्सा था, मैं तो हेड कर रहा था, 2267 करोड़ रुपए बचे हुए साहब आपने जिनको मिलता है, 2267 करोड़ रुपए बचे थे जिनको मिलता है परिवार में, हमारे कई करोड़ दोस्त हुए परिवार में, लेकिन डरे नहीं, घबराए नहीं,
आज ये पैगाम दे रहा हूं मैं और जानती हैसियत का पैगाम दे रहा हूं और आप सबको खुद बनाकर पैगाम दे रहा हूं। ये जो पुलिस के खानदान है, जो पुलिस डाले के इनके लोगों के घरों में, जो फौज करके हमारे बहनों के घरों में, ये उनको पैगाम दे रहा हूँ खुदा की कसम, दो दिन रह गए इलेक्शन में, जो गैर कानूनी काम करेगा, जो हमारे लोगों को गैर कानूनी तौर पर पुलिस के एहलकार फोन करेंगे या नजर बंद करेंगे, आखिर तब तक उनके खिलाफ लड़ूंगा, कानूनी तक लड़ूंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, हजारों लोगों के, सैकड़ों के नहीं, सैकड़ों के नहीं, दर्जनों के नहीं, हजारों लोगों के एफिडेविट दूंगा, हजारों लोगों के घर वीडियो मौजूद है, हजारों लोगों के पास कैमरा में फुटेज मौजूद है, सारी लेकर जाऊंगा, मैं देखूंगा तुम ताने जानो के एसी आ रहे कैसे निकले तुम्हारे अफसर जिनके ऊपर इल्जाम लगे हो, जो बिके होंगे, जो गैर कानूनी काम करेंगे, अरे तुम्हें तो शर्म होनी चाहिए, तुम लोग अमान के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हो, तुम्हारा तो काम होना चाहिए कानून की बालादस्ती करना, तुम तो कानून का माफ कर दो, तुम्हें तो यहाँ बाहर खड़े होकर लोगों को हफाजत प्रोवाइड करनी चाहिए, तुम एक लूटने के कहने पर तुम आज लोगों को गोले करते हो, उसको भी मैं काम देता हूँ, तुम्हारा मैं साहब
ये दबे जमे मरे हुए नौकरियां दे देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारा हक है कि हम अपनी वोट अपनी मर्जी के बंदे को दें। हमारा निशान चला गया, आज पैराशूट है। पैराशूट के बाद भी देखें आप कि पैराशूट के बाद भी देखें कि दुनिया को पता है कि पैराशूट निशान किसका है? इमरान खान का। पैराशूट निशान किसका है? इमरान खान का। कैंडिडेट आपके सामने खड़ा है जो डट के खड़ा है, एक पहले दिन से आज तक खड़ा है। हमारी टीम खड़ी है, सारे के सारे जो काम कर रही है, ये जो और एक एजेंट्स हैं, हम इनको ताबूत देंगे। हमारे लिए हम उनके लिए जतन मन धन की बाजी लगाएंगे, मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। राजा साहब का किसी और में ले हो और मैदान में कहिया तक का थोड़ा जितना गया थी किसने डबे को सुन किड़ा आपकी तू निकला लगा तक का एक गलत प्राणी वाली दिया जिड़े किस नहीं करी सकने और भड़का मारी सकने। ठीक है, एक गाली। बाकी मैं अपने बहन भाइयों का शुक्र गुजार हूँ जी। 8 तारीख का ज्यादा दिन नहीं है, 8 तारीख में बहुत कम दिन रह चुके हैं। हमने ये सीट इमानत अली खान साहब की इमानत है, हमने उसको दी है, ये उसकी इमानत है। मैं एक कारकुन हूँ, मुझे ये प्रिविलेज हासिल हुआ कि मैंने खान साहब के साथ खड़े होकर मार खाई। मुझे ये प्रिविलेज हासिल हुआ कि मुझे खान साहब ने अपने NA48 से हल्के का टिकट दिया। मुझे ये प्रिविलेज हासिल हुई कि मैं एक वर्कर हूँ, मैं कोई नवाब नवाब नहीं, ना ही मेरे को टाउनों से तल्लक है, पटवारियों से तल्लक है। वकालत करते हैं, एक जरूर बाइज्जत घराने में रब ने पैदा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। और खान ने जो टिकट दिया वो एक वर्कर को टिकट दिया, वो आपको टिकट दिया, वो मुझे टिकट नहीं दिया, वो चेयरमैन साहब को टिकट दिया, वो जरार को टिकट दिया, वो अजी साबर साहब को टिकट दिया, ये आप लोग हैं सारे, हमारे बहनों को टिकट दिया। ये आपका इलेक्शन है, ये आपसे लड़ना है। किसी को ये मौका ना मिले कि भाग गए थे, चला गया दूर वो। मैं कुछ दिन पहले ही कस्बे में गया, वहां पर पुलिस के डाले आए, एक शाम ने खड़े होगा सारे बैठे हो आए और चले गए। मैं अभी एक कस्बे में होके आया, जो ही मेरी गाड़ी खड़ी थी बस घेर ला गया सबको। बात यह है कि आप खुद खड़े होंगे अपने हक के लिए तो लोग खड़े होंगे। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम कानून की पासदारी करेंगे, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। जिसको हार नजर आती है ना, जाके पूछो उससे। जो जलसा खत्म होता है, मीटिंग खत्म होती है, उसकी काम पे टांगती है, वो फोन करता है। जब उसको उसके डाउट बताते हैं तो फोन करता है कि ये शख्स भी गया, ये भी गया, इसको बुला लो, इसको सफेद कागज पे लिख लो। हम सारी एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं, सारे एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं और सारे की सारे लगा के इस पुलिस इस्लामाबाद की जो है, जो इसमें मुतलका लोग जो बेईमानी कर रहे हैं, अपने फर्ज को पूरी तरह अदा नहीं कर रहे, हमारे हकूक के अंदर डाका मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इसमें हमने अपनी वीडियोज में अपने एफिडेविट्स में जो हमें गुनाहगार नजर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई को मैं करूँगा। जो गरीब का हक पे डाका मारे उसको नवाज शरीफ कहते हैं, जो गरीबों का हक जो है गसब करे उसको जरदारी कहते हैं, और जो उनके पैरोकार हैं उनको चेले कड़चे कहते हैं, उनको चमचे कहते हैं। हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम उसके सिपाही हैं। मुझे खुदा की कसम इमरान खान कहता है अली पिशावर से इलेक्शन लड़, मैं वहां भी जाता। मुझे कल कहते हो एक दिन रहेगा छोड़ दे जो लड़ेगा, मैं कहता ठीक है। तो बात यह है कि हम नजरिए के साथ हैं, नजरिए को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उस शख्स के साथ जरूर खड़े हैं जिसने यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि जब हमारे सरदार कायनात के नाम पे कोई गुस्ताखी करता है तो हमारे दिल में दर्द होता है, क्योंकि वो हमारे दिल में रहते हैं। उसने वहां खड़े होकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। हम उस दिन पे मजीद उसके मुस्लिम हुए और आज वो शख्स काली पाकिस्तान करी मुस्लिम दुनिया का लीडर है। जिस मुल्क में जाओ वहां पर उसका नाम दिया जाता है, आपके मुल्क की नाम का वो। आखिर में मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, अपने सारे इलाके में फैले आप सब साइलेंट सोल्जर हैं, जो वर्ड अंदर से उसने कह के भेजे कि ये मेरे खामोश सिपाही हैं, ये जुल्म का बदला वोट से लेंगे, जुल्म का बदला वोट से लेंगे। और वो ये है कि आप पैराशूट में वोट मारेंगे, अपनी वोट देंगे, अपनी वोट को दबा करेंगे और आर के पास डब्बे सील जाएंगे ताकि खुले अपने फॉर्म 45 ले जाएंगे। मैं आखिर में इंतजाम
फिर शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ में मैच के साथ हमारे साथ मैच के साथ लोग इसके साथ में आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि रात के इस पहर भी इतने आपने आलिशान प्रोग्राम अरेंज कराया। मुझसे खान साहब पूछता था खाली कि भाई जी क्या हवा है, तो मैं हमें कहता था मैंने 48 के कोने कोने में गया हूँ, मैंने कोई जगह छोड़ी जितना ही मल्ली पॉसिबल है, हर तरफ से एक ही आवाज़ आती है इमरान खान जिंदाबाद हम खान के साथ में। तो खान ने कहा जैसे मेरा काम हो गया जी, लोग क्या कहते हैं, मैंने कहा लोग रूल ऑफ लॉ की बात सुनते हैं, लोग कहते हैं कानून सबके लिए बराबर, तो उसने कहा लीडर का काम होता है कौन को जगाना, मैंने जगा दिया, मेरा काम हो गया, जो हजूम था बिखरा हुआ उसको हमने इकट्ठा कर दिया। अब आपका काम है जो जो शख्सियत काट रहे हैं, जो आपकी वजह से जेल काट रहे हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जिसको सजा यह मिली अल्लाह और उसके रसूल का नाम दिया, जो साम्राज्य कुव्वतों के सामने डट के खड़ा हुआ है, आज भी खड़ा हुआ है। हमें इस मुल्क से प्यार है, हम चाहते हैं मुल्क तरक्की करे, हम तरक्की करें, हमारी अदालत तरक्की करे, हमारी शिनाख्त हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान के शहरियाँ, हमारा बाहर कुछ भी नहीं है, हमने मरना तो दबज भी यहीं होना, हमारा शुरू भी पाकिस्तान है, हमारा आखिर भी पाकिस्तान है। मैं आप सबसे आखिर में सिर्फ दो चीज़ें पूछूंगा, कौन बचाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, एक टूरिस्ट प्रोग्राम भी है और सबसे अहम बात प्रोग्राम में बात करूंगा, मेरे भाइयों आठ पंद्रह क्यों निकलोगे, हाँ तो मेरे निकलोगे, मेरे छूट के इंतजामी निशान को घर घर पहुंचाओगे, अपनी फैमिली को निकालोगे, इमरान खान के सिपाही अली बुखारी को कामयाब करोगे, पाकिस्तान। कारी फिरोज साहब जो वाइस चेयरमैन के इलेक्शन में लड़े थे, अब उनको अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का मुबारकबाद पेश करूं, अली बुखारी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि पार्टी का परचम उनके गले में डालें। कारी फिरोज साहब प्लीज साइड हो जाएं। कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, न वो बागी न गद्दार। खैरुल्लाह, सरवर खान, मुल्तानी मुरादी, तमाम पठान मुरादी, मुल्तानी मुरादी का शुक्रिया अदा करते हैं।